नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइन्थ वीडियो ऑन लर्न एक्सेल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बेस्ट स्पेशल टूल है एक्सेल का, वो किस तरह से यूज किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सेल के अंदर एक फॉर्मूला लगाता हूँ जिसमें 12 + 13, उसके अलावा मैं यहाँ पे डिजिट, दो डिजिट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका समेशन कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं एक यहाँ पे ब्लैंक सेल छोड़ देता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैं फिल कर लेता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ और इसके साथ इसका बॉर्डर भी कर देता हूँ। तो फ्रेंड, अगर यहाँ से आप कंट्रोल सी कॉपी के लिए, आप एक कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो या फिर आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। और आपको सेलेक्ट करने के लिए आप एक सेल पे क्लिक करने के बाद आप ऐसे नीचे माउस से जो लेफ्ट बटन है उसको आप प्रेस करके रख के आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप इसके बाद आप शिफ्ट बटन और उसके साथ जो लोअर एरो की है उससे भी आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। आप राइट एरो की करोगे तो इस तरह से सेलेक्ट होगा, राइट में जाएगा और लोअर जो होगा तो लोअर में सेलेक्ट होगा। तो इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद आप Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हो या आप माउस के राइट बटन क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो फ्रेंड, उसके बाद मैं इसकी जो है इसकी जो इसकी विड्थ भी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ Ctrl+C करने के बाद आप स्पेशल, इसमें जो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन देख रहे हो, पेस्ट में तो सिंपल वैसा का वैसा पेस्ट हो जाएगा, सिर्फ इसकी जो विड्थ है वो सेम नहीं रहेगी, उसके अलावा सब फॉर्मेटिक, सब फॉर्मूला आप देख रहे हो सेम रहेगा। अब देख रहे हो ये दोनों का समेशन हो रहा है क्योंकि इसमें भी यहाँ का इसके जो पहले के दो कॉलम हैं उनकी जो सेल्स हैं उनका समेशन हो रहा है। तो एग्जैक्ट वैसा का वैसा ये फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट हो गया है। उसके आप Ctrl+C करने के बाद आप इसको पेस्ट स्पेशल में जाइए। तो इसमें अगर ओल्ड करोगे आप तो इसी तरह से होगा। उसके अलावा अगर पेस्ट में आप सिर्फ फॉर्मूलाज करते हो तो सिर्फ आप देख रहे हो फॉर्मूला ही, इस यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ फॉर्मूला आ रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हो इसका बॉर्डर फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं आ रही है। उसके अलावा अगर आप इसमें सिर्फ वैल्यूज़ करोगे तो सिर्फ वैल्यूज़ ही आएगी। 25 में भी आप देख रहे हो यहाँ फॉर्मूला हट गया है, ये 12 + 13 नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पे भी जो फॉर्मूला था ये दो सेल E5 + F5, तो ये भी हट गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है पेस्ट स्पेशल में, अगर आप इसमें कुछ कमेंट भी डाल के रखते हो, तो इसमें सिर्फ कमेंट, इसमें फॉर्मेट आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो आप देख रहे हो इसमें सिर्फ फॉर्मेट आया है आपका, ये कलर फिल आ गया और ये बॉर्डर आ गई है। और इसमें आप अगर पेस्ट स्पेशल में सिर्फ आपको कमेंट लाना है तो सिर्फ यहाँ पे कमेंट ही आएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कमेंट आ गया है, बाकी कुछ भी नहीं आया है। उसके अलावा जो पेस्ट स्पेशल में ये ऑल यूजिंग सोर्स थीम, तो जो भी है वो सोर्स थीम के अकॉर्डिंग आ गया। उसके अलावा अगर आप ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, तो बॉर्डर के एक्सेप्ट और सब आ जाएगा। तो आप देख रहे हो सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर नहीं आया 10 के, बाकी उसके अलावा सब भी है यहाँ पे। इसमें आप देखोगे सिर्फ कॉलम की विड्थ जो है वो चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप देख रहे हो कि आपके कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ गई है, पहले इतनी विड्थ थी इसकी और फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला आएगा और फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। आप देख रहे हो इसमें फॉर्मूला है, इसमें देख रहे हो आप फॉर्मूला है यहाँ पे। इसके
चलो इसमें वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट आएगा, सिर्फ वैल्यूज आएगी और कुछ नहीं आया इसमें भी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर यहाँ पे पहले से कोई वैल्यू है यहाँ पे, वन टू थ्री फोर, और यहाँ पे भी पहले से अगर कुछ वैल्यूज है, जैसे मैं सब पे टू टू रख देता हूँ, तो मैं अगर इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके अगर यहाँ पेस्ट करता हूँ, मैं पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो जो वहाँ की वैल्यू है प्लस जो ये है ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो आप देख रहे हो वहाँ पे दो था, तो दो प्लस एक तीन हो गया, दो प्लस दो चार हो गया, पाँच प्लस दो, तो इस तरह से ऐड हो गया। इसके बाद अगर मैं इसको वापस यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में मैं अगर इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट में आप देखोगे कि वापस वही टू टू आ गया। इसके अलावा आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये उससे मल्टीप्लाई हो गया दो से। आप देख रहे हो वन टू जो टू और टू टू जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, इस तरह से। उसके बाद अगर आप इसको वापस से डिवाइड करोगे फर्स्ट स्पेशल और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, तो देख रहे हो वापस टू टू वैल्यू आ गई। इसके अलावा आप इसको फ्रेंड ट्रांसपोज भी कर सकते हो, अगर आपको ये हॉरिजेंट जैसे वर्टिकल है तो इसको हॉरिजेंटल करना है, तो आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपोज कर सकते हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वन टू थ्री फोर इस तरह से हॉरिजेंटल हो गया वर्टिकल से, और इसको आप वापस यहाँ से वर्टिकल करना है, तो इसको पेस्ट स्पेशल और ट्रांसफर कर दीजिए, तो इस तरह से ये वर्टिकल हो गया है। उसके अलावा फ्रेंड अगर यहाँ पे जैसे सिक्स है, तो एक ब्लैंक यहाँ पे है, तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वन टू थ्री फोर इस तरह से ये लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे अगर पेस्ट करोगे आप, तो वैसे आप पेस्ट करोगे तो आप देखोगे जो ब्लैंक है तो ब्लैंक का ब्लैंक हो गया, यहाँ भी हट गई जो वैल्यू थी। लेकिन अगर आप इसको जैसे फोर है, तो अगर आप इसको कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में अगर आप जाके यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो कि स्किप ब्लैंक, ब्लैंक को स्किप करना है, तो आप देख रहे हो वहाँ फोर वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे ब्लैंक है उसको आपको अगर स्किप करना है तो। उसके अलावा फ्रेंड अगर इसको आप एज ए लिंक, मतलब आपकी जो यहाँ की वैल्यू वही यहाँ की आनी चाहिए, और यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज हो जाए तो यहाँ भी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको लिंक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में आप इसको पेस्ट लिंक कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे आप अगर थ्री करते हो तो वहाँ भी थ्री होगा, यहाँ पे अगर जीरो करते हो तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 23 तो वहाँ भी 23 हो गया, क्योंकि ये एज ए लिंक हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या है कि दिस सेल इक्वल टू के 16, के 16 मतलब आपका ये हो गया के 16, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू वहाँ आएगी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप इस चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ टेक इन्फो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।